of Lok Sabha Speaker Om Birla, who did speak to NewsX correspondent on a variety of issues ranging from actually getting the opposition on board on policy making to the changes seeping in the functioning of the parliament. Listen in. लोकसभा का ये सेशन सबको हमेशा याद रहेगा. जी हाँ, चाहे सिटिंग्स की बात हो या फिर बिल पास होने की बात हो या फिर इतिहास रचने की बात हो, इस सेशन ने सब कुछ दिया है. हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी मौजूद हैं. बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज और न्यूज़एक्स पे आपका. एक आप कहीं ऐतिहासिक सेशन रहा, लोग हमेशा इसकी चर्चा करते रहेंगे, इसके बारे में सोचते रहेंगे. एक बार भी अध्ययन नहीं हुआ. 35 बिल टोटल इस लोकसभा ने पास किए जिसमें 33 इंट्रोड्यूस हुए थे और 2 राज्यसभा से आए थे. तो मानेंगे कि हाँ एक अच्छी शुरुआत हुई आपके कार्यकाल में इस लोकसभा की. हाँ, निश्चित रूप से इस सत्र के अंदर सबके सहयोग से, सबकी सहमति से ये सदन की बैठक भी ज्यादा हुई और कार्य संस्कृति भी डेवलप हुई. सदन के नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी हों, प्रतिपक्ष के नेताओं या दलों के माननीय सदस्यों, सभी माननीय सदस्यों ने इस संसद सत्र को चलाने में सर्वसम्मति से सहयोग दिया. आपका जोर आपकी सभी चीज पे था. आपने विपक्ष को खूब मौका दिया बोलने के लिए. बकायदा आपने कहा कि भाई बोलिए, हम चाहते हैं आप लोग बोलिए. हिंदी पर भी आपका जोर बहुत रहा, लेकिन विपक्ष जो था वो कहीं ना कहीं कह रहा था कि हमको बोलने का मौका नहीं मिल रहा. एक वो भी समय था जब हम देखते थे कि गांधी जी की प्रतिमा के पास पूरा विपक्ष इकट्ठा रहता था कि भाई बोलने का मौका नहीं मिल रहा है. इस बार भी वो कहे कि भाई लोकतंत्र को मजबूत करना है तो मजबूत प्रतिपक्ष भी होना चाहिए. और मजबूत प्रतिपक्ष में जहां असहमति भी हो सकती है, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन असहमति मतभेद के बाद भी कार्यशील लोकतंत्र की यही पहचान है कि संसद में अच्छी चर्चा हो, डिबेट हो. और मैंने कोशिश की इस बार कि एक अच्छी चर्चा, अच्छी डिबेट संसद के अंदर सभी मान्य सदस्यों के द्वारा हो और इसी कारण संसद का सत्र सुचारू रूप से चला. हिंदी में बड़ा आपका जोर था. आप जब भी हम सुनते थे ऊपर से बैठ के तो आपका हिंदी में बहुत जोर रहता था. तो लोग इसकी बड़ी तारीफ करते थे कि बहुत दिन बाद एक ऐसा स्पीकर मिला है. ऐसा नहीं है, यहां पर 22 भाषा में अनुवाद करने की व्यवस्था है. सबको अपनी अपनी भाषा में बात करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिया है. और इस लोकसभा के अंदर सभी को जो 8वीं अनुसूची के अंदर भाषा है उस पर बोलने का अधिकार है. और कई माननीय सदस्य अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी बात की अभिव्यक्ति भी की है. और क्योंकि हिंदी एक सहज रूप से ज्यादातर क्षेत्रों के अंदर हिंदी का प्रयोग होता है, इसलिए हिंदी का भी प्रयोग इस बार लोकसभा में हुआ. अनुशासन पर भी आपका विशेष ध्यान रहता है लोकसभा जब चलती रहती है. लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष को अब और ज्यादा साथ में आना चाहिए? कि कई बार हमने ऐसे देखा कि जिस वक्त मिनिस्टर्स बोलते रहते हैं विपक्ष बोल रहा था. कई बार कागज भी एक दो बार जब रेजोल्यूशन आया तो उसको फाड़ा गया. ये सब चीजें थोड़ी रखनी चाहिए क्योंकि देश देखता रहता है लोकसभा को. कम से कम ये थोड़ी चीजें कम हो, या आपको लगता है कि हाँ डेमोक्रेसी में ये भी एक अंग है? नहीं, ये डेमोक्रेसी का अंग में नहीं मानता. यहां पुराने मुझे इतिहास बताते हैं कि यहां पर कई विधेयकों के अंदर ऐसी घटनाएं घटी है जो मैं इस लोकतंत्र के मंदिर के लिए उचित नहीं मानता. और मैंने सभी दलों के नेताओं से इस संबंध में चर्चा की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी चर्चा की. मैंने कहा संसद का सत्र मर्यादित रूप से चले, इसकी मर्यादाओं को हम बना के रखें. और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से भारतीय लोकतंत्र की पहचान है, हम उसी तरीके से हमारी संसद की मर्यादा को भी उच्चतम मापदंडों पर लेकर चलें. और मुझे भरोसा है कि सभी माननीय दल के नेताओं ने इस बार सहयोग किया और संसद निर्बाध रूप से चली. असहमति मतभेद होने के बाद भी
अपने अपने अभिव्यक्ति करी, लेकिन संसद के अंदर कोई अवरोधक पैदा नहीं हुए और सबने अपनी डिबेट चर्चा के माध्यम से अपनी बात कही। लेट सिटिंग्स भी बहुत हुई, नए सांसदों को आपने बोलने का बहुत ज्यादा मौका दिया, बिल्स पास हो ही रहे थे लोकसभा में, तो एक प्रेशर आपको लगा कि दूसरे हाउस में भी था, क्योंकि वो भी काम इस बार सबसे फ्रूटफुल अगर देखा जाए तो राज्यसभा भी इस बार सबसे फ्रूटफुल चली। हमारे 265 माननीय नए सदस्य आए थे और वो भी चुनाव के मैदान से आए थे, चुनाव लड़के आए थे, वहां की जनता से उनकी बहुत अपेक्षाएं थी, उन्होंने चुनाव के समय जिन जिन अभावों को देखा, समस्याओं को देखा, सभी माननीय सदस्य चाहते थे कि मैं मेरे क्षेत्र के अभावों को, मेरे यहां विकास के लिए अपनी बात लोकतंत्र के इस मंदिर में रखूं, अभिव्यक्ति करूं, सरकार के सामने रखूं, इसलिए ज्यादा अवसर देने की आवश्यकता थी, इसलिए समय भी सत्र भी ज्यादा दिन चला और समय भी ज्यादा देर रात तक चला और इसीलिए सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर भी मिला। कई महत्वपूर्ण बिल थे जो आप कहिए कि इतिहास में लिखे जाएंगे और कहा जाएगा कि जब ये बिल पास हो रहा था या अमेंड हो रहा था तो ओम बिरला जी उस वक्त स्पीकर थे, चाहे वो ट्रिपल तलाक का हो या 370 का हो, मानते हैं कि एक बड़ा पल था, देश उस वक्त देख रहा था जब 370 वो खतरे के लाने का काम, बिल लाने का काम तो सरकार का है। हमारी कोशिश होती है कि सर्वसम्मति से पारित हो, मति से पारित हो, असहमति मतभेद हो तो भी संसद में उसको मर्यादित तरीके से रूप से अपने विचार के अभिव्यक्ति के, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, वो विचारधारा के आधार पर उस दल से चुनाव जीत कर आते हैं, उनका अपना अपना एजेंडा होता है, इसलिए सबको संसद में अपनी बात को कहने का, अभिव्यक्ति करने का अधिकार है और सभी बिलों पर, सभी प्रतिपक्ष के हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सबने अपने अमूल्य सुझाव रखे। सर, दोनों हाउसेस से ये बिल पास हुआ, उसके बाद बकायदा राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति भी दी, लेकिन अभी भी कई राजनीतिक दल ऐसे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। जब एक बार लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पहले ही पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट ने इसको अपना नोट दे दिया, लेकिन उसके बाद भी ये कहना कि अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत किया। उनकी राजनीति विचारधारा रही होगी, क्योंकि 370 जब लगी होगी, जब उनकी दल की सरकार थी, उनकी विचारधारा थी, इसलिए उनकी विचारधारा करने का, अभिव्यक्ति का उनको अधिकार है, संवैधानिक रूप से उनको अधिकार मिला हुआ है कि वो अपनी विचारधारा को रखे। सामान्य रूप से जब कोई बिल विधेयक पारित हो जाता है और वो 130 करोड़ जनता के लिए संवैधानिक अधिकार बन जाता है, तो मुझे लगता है कि उनको हम ये नहीं कह सकते कि आपको अपनी विचारधारा का कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन ओम बिरला जी, जब संवैधानिक रूप से पास हो गया, मेजोरिटी ऑफ हाउस दोनों हाउसेस पास किया, राष्ट्रपति ने दे दिया, तो उसके बाद कोई भी राजनीतिक दल हो, इतना मतलब इतना तो समझना चाहिए कि अगर मेजोरिटी ने पास कर दिया है कोई चीज और राष्ट्रपति ने स्वीकृत कर दिया है, तो अब इस चीज को कहना क्या यह भी एक तरीके का अपराध ही कि आप एक चैलेंज कर रहे हैं? देखो, संसद के बाहर वो क्या भाषा बोलते हैं, क्या बात कहते हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरी कोशिश थी कि संसद के अंदर वो मर्यादित रूप से नियम प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी बात कहें, मर्यादित रूप से कहें, असहमति व्यक्त करनी असहमति व्यक्त करें, लेकिन मर्यादित रूप से। और इस बार मुझे कहते हुए खुशी है कि सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने, चाहे 370 हो, चाहे मुस्लिम ट्रिपल तलाक हो, चाहे मोटरयान अधिनियम हो, जितने भी विधेयक है उस पर खुलकर अपनी चर्चा करी, डिबेट करी, सहमति असहमति व्यक्त करी और सबने अपनी बात पुरजोर तरीके से संसद में कही और कई अच्छे सुझाव भी आए। सुझाव पक्ष की तरफ से आ सकते हैं, विपक्ष की तरफ से आ सकते हैं और सरकार को भी कोशिश करना चाहिए कि अच्छे सुझावों को वो समावेश करे, भी आए। सुझाव पक्ष की तरफ से आ सकते हैं, विपक्ष की तरफ से आ सकते हैं और सरकार को भी कोशिश करना चाहिए कि अच्छे सुझावों को वो समावेश करे।
क्योंकि जब पूरी 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि बैठते हैं तो कई अच्छे सुझाव भी आते हैं और सरकार ने सुझावों को माना भी है, इसीलिए उस बिल पर विधेयक पर डिटेल चर्चा होनी आवश्यक थी जो मैंने कराने की कोशिश की। ये सेशन लंबा भी चला और लगभग 44,000 से ज्यादा विजिटर्स जो थे वो भी पार्लियामेंट आए, संसद भवन को देखने, अंदर जब कार्रवाई चली तब भी देखने। सुमित्रा महाजन जी जब स्पीकर थी तो एक चर्चा की शुरुआत हुई थी कि क्या हमको एक नए पार्लियामेंट की जरूरत है, क्या एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाए, तो क्या वो जो एक प्लान था, उन्होंने एक नोटिंग भी बनाई थी, हमने उन्हें बहुत सारी स्टोरीज भी उस पर की, क्या वो चीज अभी भी सामने उस पर? निश्चित रूप से आपने जो सवाल पैदा किया सदन के माध्यम से, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि जब आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं और 2022 में हम नए भारत के निर्माण के संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं तो एक संकल्प ये भी होना चाहिए कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर इसको भी हम आधुनिक तकनीक युक्त बनाएं और सभासद की तरफ से, संसद की तरफ से, राज्यसभा ने भी और लोकसभा ने भी यह आग्रह प्रधानमंत्री से किया है और हम इसके लिए हमारे दल के अंदर भी कई माननीय सदस्यों की कमेटी बनाकर उनसे सुझाव प्राप्त कर रहे हैं। इस लोकसभा के अंदर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों से सुझाव मांग रहे हैं, जनता से सुझाव मांग रहे हैं और सुझावों के बाद सर्वसम्मति से जो सुझाव आएंगे उसके बाद मुझे आशा है कि 2022 तक हम संसद को आधुनिक तकनीक और नए संसद के निर्माण की ओर बढ़ेंगे। मुझे हाउस में एक दिन में बैठा हुआ था तो आपने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे, बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं अखबार के लिए, पेपर्स के लिए, तो कोशिश ये करें अगला जो सेशन हो एक शुरुआत करें कि पेपरलेस बनाई जाए लोकसभा, डिजिटल और पेपरलेस दो शब्द का आपने प्रयोग किया। हाँ, डिजिटल पेपरलेस के लिए मैंने माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, ऑप्शन भी मांगे उनसे और मुझे आशा है कि जब अगला सत्र शीतकालीन सत्र शुरू होगा तब अधिकतम माननीय सदस्यों से हम सहमति लेने का प्रयास करेंगे कि डिजिटल और पेपरलेस, ताकि हम अधिकतम संसद के अंदर पेपरलेस संसद हमारी बना सके। क्योंकि मैं देखता था कि करोड़ों रुपए का खर्चा यहां पर पेपर का होता था और इसके अलावा डिलीवरी मैन को भी 542 माननीय सदस्यों तक डिलीवरी करने में समय भी लगता था। तो जमाना तकनीकी का है तो इस तकनीकी के नए जमाने में हमारे संसद सदस्य भी नई तकनीक का उपयोग करें, ऐसा मैंने आग्रह किया है। पेपरलेस की आपने बात करी थी, बिल्स की बात की, लेकिन विपक्ष ने यह आरोप यह भी लगाया कि कोई भी बिल जो था वो किसी कमेटी को, क्योंकि कमेटीज बनी नहीं थी इसलिए कई बार ऐसा होता था कि कई बिल्स पर चर्चा होती थी स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाता था, क्या इस बार कोई बिल भेजा ही नहीं जा रहा है किसी कमेटी में, सीधे बुलाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है, पास कर दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अधिकतम बिलों पर कमेटी में, तो स्टैंडिंग कमेटी तो एक छोटी कमेटी होती है, मैंने बड़ी सभा के अंदर इसकी चर्चा कराई, मैंने संसद में डिटेल चर्चा कराई और जब तक सहमति असहमति हर सदन में होती है लेकिन जब तक माननीय सदस्य आग्रह करते रहे मैंने उस पर उतने समय तक डिटेल, जो समय आवंटित समय था उससे ज्यादा मैंने उन विधेयकों पर चर्चा कराई ताकि अधिकतम माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिले। और मैं कह सकता हूं कि संसद में इस बार हर विधेयक पर आवंटित समय से ज्यादा समय पर विधेयक पर चर्चा हुई और अधिकतम बिल सर्वसम्मति से पारित हुए। 5 विधेयक ऐसे रहे जिन पर असहमति थी, मत विभाजन हुआ, लेकिन अधिकतम बिलों में सहमति से पारित हुए। नहीं, एक 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 चर्चा ये भी होती है कि हम विदेशों में देखते हैं कि वहां की जो कमिटीज होती हैं, वहां के जो ग्रुप ऑफ वो होते हैं, उनकी जब भी बैठक होती है उसका भी एक लाइव, आप कह सकते हैं, टेलीकास्ट, सीधा प्रसारण दिखाया जाता है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में होता है। क्या कुछ ऐसा भी है प्लान की एक सहमति ऐसी बने कि कल को स्टैंडिंग कमिटीज की बैठक हो तो क्या उसका भी एक लाइव प्रसारण हो, लोग देखें कि हाँ भाई कैसे लोग डिस्कस करते हैं? आपने सही कहा कि
हमारे देश में भी संसदीय समितियों का एक लोकतांत्रिक तरीके से अच्छी कार्रवाई रहती है और संसदीय समितियों के माध्यम से अच्छे सुझाव भी आते हैं। संसदीय समितियों में चर्चा होती है तो दल से ऊपर उठकर चर्चा होती है और सदस्य भी दल से ऊपर उठकर सुझाव देते हैं और जो संसदीय समिति की रिपोर्ट होती है वो संसद में पेश की जाती है, उसके बाद हम वो जनता की प्रॉपर्टी होती है निश्चित रूप से और अधिकतम संसदीय समिति के सुझावों पर सरकार अमल भी करती है। उमिल जी, एंटी डिफेक्शन लॉ बना लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि चाहे वो स्टेट की असेंबलीज हो या वो हो, बहुत समय उसमें लग जाता है, चाहे वो स्पीकर को यहां पर फैसला लेना हो या स्टेट्स में लेना हो। अभी कर्नाटक में आपने देखा था कैसे फिर कोर्ट बीच में आता है, तो क्या इसके लिए भी कोई एक ऐसी प्लानिंग हो कि भाई ये जो निपटारा हो तुरंत? तो कई बार हम देखते हैं कि कई सदस्य का पूरा कार्यकाल पूरा हो जाता है तब कोर्ट का फैसला आता है, तो क्या इसके लिए भी कुछ सुझाव? कोर्ट पे तो हमारा नियंत्रण नहीं है, न्यायालय पे तो नियंत्रण सरकार का भी नहीं है, लोकसभा का भी नहीं है, लेकिन हां लोकसभाओं और विधानसभाएं भी अपनी अपनी स्वायत्तता है, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा विधानसभा अध्यक्षों से भी कि एक समयबद्ध तरीके से ऐसे निर्णय होना चाहिए ताकि देश में एक निर्वाध रूप से सदन के सभापतियों की जो देश की जनता चाहती है निष्पक्ष भी हो, निर्वाध भी हो और निष्पक्षता दिखे भी सही, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे उमिल जी, आप सदन के बाहर भी बहुत एक्टिव रहते हैं, जैसे स्वच्छता का कई अभियान था, जितने भी एमपी थे आपने सबको बुलाया, आज भी स्पेशल लाइटिंग लगवाई गई, क्या रीजन है इस लाइटिंग के पीछे? क्या ये 75 साल पूरे हो रहे हैं इसलिए लाइटिंग लगाई गई? बड़ी खूबसूरत है क्योंकि हमने कल डेमो देखा था, आज प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन भी करेंगे, तो संसद के भीतर भी और बाहर भी हर तरीके से आप लोगों को जोड़ने में हमेशा लगे रहते हैं, प्रोएक्टिव रोल आप करें। इसमें आपने सही कहा, ये संसद 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इसीलिए सामाजिक रूप से भी इसका योगदान होना चाहिए, चाहे वृक्षारोपण अभियान हो तो 130 करोड़ जनता में संदेश जाता है कि हमें वृक्षारोपण अभियान करना चाहिए, पर्यावरण को अगर सुरक्षित रखना है तो पेड़ को लगाना है, ये जन जन का संकल्प होना चाहिए। कुपोषण के खिलाफ किस तरीके कुपोषण समाप्त हो, हर संसद सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में कुपोषण को समाप्त करने के कारगर कदम उठाने चाहिए। स्वच्छता अपने सबके जीवन का अभिन्न अंग है और हमारी संस्कृति में स्वच्छता का मूलक बहुत प्रेरणा भी है कि स्वच्छता होनी चाहिए, हमारी संस्कृति में भी हमारी आदत में भी है स्वच्छता। सामान्य रूप से हर आदमी चाहते हैं कि मेरा आंगन, मेरा घर, मेरे घर के बाहर स्वच्छता रहे, इसलिए स्वच्छता का आंदोलन भी हमारे सदन के नेता माननीय नरेंद्र मोदी चलाया, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती भी है, तो स्वच्छता का अभियान भी जन जन आंदोलन बनना चाहिए, जन आंदोलन बनाने का काम संसद सदस्यों के माध्यम से होगा। इस तरीके से सामाजिक रूप से हमें कई आंदोलन खड़ा करने पड़ेंगे, समाज को बदलना है, देश को बदलना है तो दल से ऊपर उठकर हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे और इसीलिए संसद सामूहिक रूप से प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, जिन्होंने साफ कहा कि समाज को भी बदलना होगा और साथ रखना होगा, साथ ही साथ एक बड़ी बात यह भी बोली कि 2022 तक एक संसद का नया रूप देखने को मिलेगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।